सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद घर से सड़क पर पहुंच गया। आपको बता दें कि रायवाला एटीएम के पास पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने अपनी पत्नी जफरा की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मंडी पुलिस महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति जिशान मौके से फरार हो गया है। तो सर क्या पूरा मामला है, जो पहले युवती को गोली मारी गई उसके बाद में एक युवक को गोली लगी, क्या पूरा मामला है? जी हाँ, सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये दो घटनाएं हुई हैं। एक तो मंडी थाना क्षेत्र में मंडी समिति रोड पे एक एटीएम है, वहां पर एक युवती को गोली मार दी गई थी। युवती की शिनाख्त आलिया के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 35 से 36 वर्ष है। उसी के पति ने, जिसका नाम जिशान है, उसने उसको गोली मारी है। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद उसका पति वहां से निकलकर यहां अपने घर वर्धमान कॉलोनी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आया और उसने अपने छोटे भाई पर भी गोली चलाई, और गोली चलाते ही वो वहां से भाग गया। और जो छोटी भाई गोली चलाई है वो भी खतरे से बाहर है, उसकी गर्दन से टच होते हुए गोली निकली है। अभी टीमें बना दी गई हैं और ये जो अभियुक्त है हमारा दिशान, उसको पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ही इसको हम अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। सर वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि बड़ी वारदात है, दो वारदात हुई है, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? जो अभी पूछताछ की गई है प्रिलिमिनरी, उसमें ये पता चला है कि इसको ऐसा शक था कि इसकी वाइफ जो है और इसके भाई, इसको उसमें जिसने गोली चलाई है, उनके बीच में इलिसिट अफेयर था। ये बात सुनने में आ रही है कि जो ये वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसको ये शक था कि जो उसका पेट में बच्चा है वो उसका नहीं, उसके भाई का है। इसी वजह से इस शक को लेकर ही उसने गोली चलाई है, लेकिन अभी कोई चीज़ वेरीफाई नहीं हुई कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स और उसके परिजनों से पूछताछ करके बात पता चलेगी। सर जो घायल है उसे कहाँ एडमिट कराया गया, क्या खतरे से बाहर है? जी हाँ, वो खतरे से बाहर है। पहले प्रिलिमिनरी इलाज के लिए वो एसबीटी अस्पताल गए थे, अभी उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। उनके साथ पुलिस के लोग भी हैं, उनके परिजन भी हैं। अभी खतरे से बाहर बाहर है और बोल रहे हैं।